नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो या कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 7 तारीख तक की। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ये बंदा या बंदी पहले खुद को एक नेगेटिव मेंटलिटी में जकर के रखा था। इनको लग रहा था कि हर चीज़ इनके मुताबिक हो सकता है, ये अपने मुताबिक चीज़ों को चलाने के बारे में सोच रहा था। और कुछ कंजूस टाइप का नेचर इनका इन दिनों हो रहा है। ये पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमाना, पैसों को खर्च नहीं करना, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और ये बातों को पकड़ के रखना भी ये बहुत अच्छी तरीके से ये इस चीज़ को कर रहे हैं आजकल। इनको ये एक जुनून सा सवार हो गया है कि पैसे किसी भी तरीके से पैसे को संभालना है, पैसे को रखना है। धीरे धीरे इसे ही ये सेविंग्स इनको करना ही है। और ये किसी बातों को अपने दिल से भी लगा के रखा हुआ है बंदा। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और इनको पता है कि यही इस परिवार के ब्रेड अर्नर है। ये चाहे तो सब हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। और ख़ास करके पैसों के मामले में ये अपने तरीके से सोचने लगा है बंदा। और एक बात है, ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। ये समझाना चाहते हैं आपको कि जिस भी कारण से, हो सकता है पैसों के कारण से आप लोगों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है, तो ये इस बंदे को पता है कि इन्होंने क्यों आपके साथ उस तरीके की बात कही है। आपने उनको समझा नहीं, ये आपको समझाना चाहते हैं। और हर चीज़ को जैसे कि ये पहले अपने कंट्रोल में करके रखता था, अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज़ को ये समेटना चाहते हैं। इनको लगता है इनसे अच्छा कोई परिवार को संभाल नहीं सकता है, पैसे को संभाल नहीं सकता है। और आप हो जो इनको समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये बंदा या बंदी जो भी हैं आपसे बात करके हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि जो जैसा आप समझ रहे हो एक्चुअल में वैसा नहीं है। सेविंग्स करना ज़रूरी है, पैसा रखना ज़रूरी है, आप उनको गलत समझ रहे हो। तो ये आपसे बात करके सारा चीज़ क्लियर करना चाहते हैं और धीरे धीरे अपनी परिवार की स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी हिसाब से ये करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे ये पर्सन चाहते क्या हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे कि हर चीज़ अपना कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। डेविल के कार्ड आए हैं, द फूल के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ये अपना एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि इनको लग रहा था करंटली कि ये सब कुछ संभाल सकते हैं, ये खुद सही है। और सामने वालों को ये समझाना चाहते थे कि ये जिस तरीके से चला रहा है लाइफ को, जैसे कि पैसे ना खर्च करना, पैसे जमा करके रखना, हर चीज़ में अपना कंट्रोल करना, तो अभी ये चाहते हैं कि उस चीज़ का जो कारण है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे कम्युनिकेशन चाहते हैं ये आपके साथ करंटली, तो ये आपसे ये समझाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं। जो कंट्रोल इशू था उनका, उसको वो छोड़ना चाहते हैं। जो एडिक्शन था
कंट्रोल करने का जो एक एडिक्शन था उसको छोड़ना चाहते हैं। वैसे ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, इनको पता है कि ये सब कुछ ये क्यों कर रहा है, तो उस चीज़ को ये छोड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई तरीके से हर चीज़ को करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, किसी की रोक टोक के बिना ये रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन की एक्शन क्या रहेगा। कैंसर यानी कर्क राशि, जो वक्त मैंने बताया 1 से लेकर 7 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इनका एक्शन क्या रह सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। द सन का कार्ड, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे बातें करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे यही कहेंगे, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक ये बंदा या बंदी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, करेगा, एडिक्शन छोड़ेगा, जो जो गलती उन्होंने किया है, जिस भी कारण से रिश्ते खराब हुआ है, वो सारी चीज़ सही करना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, रिश्ते में जीत हासिल करना चाहते हैं, प्यार की जीत होगी ये समझ रहा है, ये बच्चे परिवार देखना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो ये बच्चे के लिए, परिवार के लिए दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इनको अभी सब कुछ क्लियरली समझ आ गया है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको स्टॉक भी करता है ऑनलाइन, ये आपके बारे में सोचता रहता है, बंदा या बंदी, तो एक स्टेबल लाभ ऑफर के साथ ये आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। इसमें स्टेबिलिटी होगी, एक स्टेबल लव ऑफर होगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस तरीके से रिश्ते चलाना चाहते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई लियो हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉन का कार्ड भी आया है, तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो बंदा, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ये आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, हर बात को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी लव ऑफ़र के साथ, स्टेबल लव ऑफ़र के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और जो कुछ भी गलत फहमियाँ थी उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी कंट्रोल इशू जो था उनका कंट्रोल करने का, उसको छोड़ना चाहते हैं और बैलेंस तरीके से अपने लाइफ को चलाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स ही आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है, कैंसर के यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड, यूनिवर्स ही आपसे ये कह रहा है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जिस चीज़ से आप दुखी हो, परेशान हो, भगवान से प्रेयर कर रहे हो, एक्चुअल में उस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में आपको आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो वक्त लेके स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आइए, खुद के लिए मेहनत कीजिए, रिश्ते के लिए मेहनत कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको और थोड़ा वक्त चाहिए, तो आप थोड़ा रुक जाइए, जब आपको लगेगा सब कुछ सही है तब आप रिश्ते में चले आना, क्योंकि फ़िलहाल के लिए आपको वक्त लेके समझदारी से, ईमानदारी से, एक दिल से, दिमाग से, दोनों तरीके से सोच के रिश्ते में आना पड़ेगा और मेहनत को जारी रखनी पड़ेगी। पहले अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे कैंसर, तो अभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, तो ही आप रिश्ते में आना, वरना दोबारा से आके रोना धोना, नींद खराब करना, परेशान होने से अच्छा है थोड़ी देर के लिए आप मूव ऑन करें। जब आपको लगे कि अभी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, आपको हर तरीके से स्टेबिलिटी मिल रहा है, तभी आप रिश्ते में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।